हाय, वैसे तो कल मार्केट बंद रहने वाली है, लेकिन फिर भी हम स्टॉक इन फोकस सीरीज को जारी रखते हैं और आपको बताते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स के बारे में न्यूज आई है और कौन से स्टॉक्स आने वाले दिनों में फोकस में रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो। पहला जो स्टॉक आ रहा है वो है अक्षय। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। अगर आपको किसी भी शेयर की खरीद या बिक्री करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर खुद के अध्ययन के दम पर ही खरीदें। साथ में मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। दोस्तों, पहला जो स्टॉक है अतिशय, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस कंपनी का आज रिजल्ट आया हुआ है। जून 24 का रिजल्ट आ गया है। आप देख सकते हैं कि जून 23 में कितना था कंपनी का सेल्स, 6.72 CR, अभी कितना है 10 CR। अगर हम मार्जिन को देखें तो मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट 11 लाख से बढ़ के सीधे सीधे 1 करोड़ हो गया है। जी हाँ, 1 करोड़ हो गया है। तो कितने की बढ़ोतरी हुई आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा दमदार है ईयर ऑन ईयर, लेकिन अगर हम एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर लें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें घाटा देखने को मिल रहा है। एक बात और दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि अक्षय का मैंने कुछ दिन पहले चार्ट शेयर किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, और उस चार्ट में मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रही है, महा मल्टी ईयर ब्रेकआउट देगी, जो कि अभी भी समझ लीजिए कि अब ये ब्रेकआउट कन्फर्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कन्फर्म हो गया है। स्टॉक ने अपने आप को रिटेस्ट भी कर लिया है, रिटेस्ट इन द सेंस कि यहाँ मान लीजिए कि ब्रेकआउट लाइन है और स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर दोबारा से इस लाइन पे आके अगर यहाँ से फिर दोबारा जाता है तो आप समझिए कि यही रिटेस्ट पॉइंट है और ये स्टॉक अब रुकने वाला नहीं है। तो अतिशय के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर अब भी आप खरीदारी करना चाहते हैं तो देर नहीं हुई है, अध्ययन करके ज़रूर खरीदारी करें। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। दोस्तों, कल मैं कई वीडियो अपलोड करूंगा, साथ में रेमंड की भी वीडियो आएगी, तो आप ज़रूर देखना कि इसके बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आप रेमंड में निवेश करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं स्टॉक की तरफ। अगली कंपनी है दोस्तों कोठारी प्रोडक्ट लिमिटेड। आप देख पाओगे कि ये न्यूज़ जो है कि आज ही की है, और इसमें क्या न्यूज़ है तो डाइवेस्टमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में है। इन्होंने कहा है कि जो केपीएल एक्सपोर्ट है उसकी पूरी हिस्सेदारी इन्होंने सेल कर दिया है, बेच दिया है। ये इस कंपनी के बारे में न्यूज है। दोस्तों, कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना जरूरी हो जाता है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है, या फिर हम अगर किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं और हमें ज़रूरत है तब भी हमें बेचना अच्छा माना जाता है। तो इस बात को आप समझिए, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इससे हम जो है कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगली कंपनी है दोस्तों त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिमिटेड, यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी का नाम, और साथ में आप डेट भी पढ़ सकते हो। दोस्तों, इसमें न्यूज क्या है तो कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और वो प्रोडक्ट क्या है तो आप देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट है मत्स्य ट्रिपल रिजर्व ब्लेंडेड विस्की एंड द क्राफ्टर्स स्टैम्प रेयर आर्टिजन ब्लेंडेड विस्की आर अटैच्ड। दोस्तों, ये कंपनी की विस्की है जिसको कि कंपनी ने लॉन्च किया है, और आप इस नए प्रोडक्ट के साथ कंपनी में हो सकता है कि रेवेन्यू बढ़ जाए। आपने इंद्री का नाम सुना होगा, पिकाडिली का किस तरह से रेवेन्यू बढ़ा आप सबने देखा, तो एक एग्जांपल आप पिकाडिली को ले सकते हो। इस तरह से और कंपनियों ने अगर प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगली कंपनी है दोस्तों BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का रिजल्ट आया है, और रिजल्ट कैसा है मैं आपको बता दूं कि अभी ये 1415 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी भविष्य में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। एक बार रिजल्ट को देख लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बात करेंगे ईयर ऑन ईयर जून 23 से जून 24 के बीच में, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बात करने वाले हैं। तो जून 23 से जून 24 के बीच में देखें तो रेवेन्यू में देखेंगे कि 158 करोड़ से 174 करोड़ रेवेन्यू अप हुआ है, और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ज़्यादा ही अप हुआ है, 137 से 174 करोड़ लगभग में। मोटा मोटी अगर हम मान लें तो
50 करोड़ या फिर 48 करोड़, ऐसा मोटा मोटी कह सकते हैं कि इतने का अंतर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम मार्जिन की बात कर लें तो मार्जिन कंपनी का स्टेबल है, इस बात पे आप जरूर देखना, कंपनी का मार्जिन ठीक ठाक है, 28% से 19% के बीच में घूम रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 16 करोड़ से 22 करोड़ हो गया है, ये हुआ है ईयर ऑन ईयर। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक स्टेबल सा दिखाई पड़ रहा है और ग्रोथ परफॉर्मेंस भी ठीक है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगली कंपनी है दोस्तों, अगली कंपनी आप देख सकते हैं विभोर स्टील ट्यूब लिमिटेड। यहाँ पे आप देखिए क्या है कि कंपनी ने जो है कि कमर्शियल प्रोडक्शन सेकेंड GI प्लांट स्टार्ट कर दिया है। और ये जो है कि कहाँ पे है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बालानगर महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में ये कंपनी जो है कि कल से शुरू होने वाली है, यानी 17 जुलाई से। दोस्तों इसका जो कैपेसिटी है, क्रैश बैरियर विथ कैपेसिटी आप कैपेसिटी अबाउट 24,000 मिलियन टन पर एनम है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, इस बात पे फोकस करना। कंपनी काफ़ी छोटी है, 500 करोड़ से कम की है, तो रिस्क भी उतना ही है, इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है कि अपने एक सब्सिडरी कंपनी, इसकी सब्सिडरी कंपनी एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड, इसमें जो है कि करीब करीब 75 CR, जी हाँ दोस्तों 74.99 करोड़ रुपीज जो है कि इस कंपनी में निवेश करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड, ये इसकी जो है कि सब्सिडरी कंपनी है और ये राइट बेसिस पे इसमें निवेश करने वाली है, ऑन राइट बेसिस। With this investment, the total investment made by the company in EESL stand to 2577 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरा है 2577 करोड़ का जो है कि निवेश होने वाला है, लेकिन फिलहाल में 75 करोड़ का निवेश हो रहा है, आप ये मान के चलिए। हाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो निवेश की मात्रा है 2577 करोड़ हो गई है, इस 75 करोड़ के निवेश के साथ ही, इस बात पे फोकस करना दोस्तों। शायद मैंने गलत बोल दिया था कि 2577 करोड़ का निवेश होना है, नहीं अब हो जाएगा। ये जो 75 करोड़ का निवेश कंपनी कर रही है अपने अधिकार बेसिस पे, वो अब 2577 करोड़ का निवेश हो जाएगा कुल मिलाकर। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, और ये निवेश कंपनी को न्यू एनर्जी की तरफ ले जा रहा है, इस बात पे जरूर फोकस करना। बढ़ते हैं अगले स्टॉक पे दोस्तों, KNR रेल इंजीनियरिंग में इसमें स्प्लिट की न्यूज़ थी, एक के बदले 10 स्टॉक आपको मिलेंगे। और इसको मैंने बताया था अभी विस्तृत वीडियो बना के कि इस कंपनी में आप चाहो तो पैसा बना सकते हो, लेकिन इसमें एक न्यूज आ गई है, बहुत बड़ी अपडेट है, उसको मैं बताऊंगा। और इसका मार्केट कैप आपने देख लिया है, 1000 करोड़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि KNR इंजीनियरिंग लिमिटेड से संबंधित जो न्यूज है आज अपडेट हुआ है इसका, और यहाँ पे देखिए कि इन न्यूज में अपडेट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे अगर हमें सेकंड पेज मिल जाता है तो। यहाँ पे देखिए कि इसको ऑर्डर किसने दिया है, द KCP लिमिटेड ने, और ऑर्डर का क्या नेचर है आप देख सकते हैं कि टर्म सिग्निफिकेंट टर्म एंड कंडीशन ऑफ ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड इन ब्रीफ, क्या ये है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे सीडिंग फैसिलिटी ऑन EPCR ट्रंकी बेसिस फॉर रेलवे कनेक्टिविटी के लिए ये ऑर्डर है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोविजन फॉर दियर सीमेंट यूनिट सेकेंड एट मुक्तायालया विलेज जग्यापेट मंडल NTR डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के लिए ये ऑर्डर है, सिकंदराबाद डिवीजन से। आप देखिए कि डोमेस्टिक एंटिटी तो आप देख ही पा रहे होंगे, इसको पूरा कितने दिनों में करना है तो 9 महीनों में पूरा करना है। और अगर हम इसका एग्जीक्यूशन पीरियड ही है, आप देखेंगे कि ऑर्डर की वैल्यू कितनी है तो 450 मिलियन यानी 45 करोड़ का ऑर्डर है, इस बात पर फोकस करना। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगली जो कंपनी है दोस्तों GRSC, जिसे कि हम गॉर्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड भी कहते हैं, आज की न्यूज है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, आज की न्यूज है। और यहाँ पे कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, जी हाँ दोस्तों ऑर्डर मिला है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और कॉन्ट्रैक्ट किस लिए है तो आप देखेंगे कि ओसिन रिसर्च वेसल, जिसको हम ORV, फॉर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओसिन रिसर्च NCPOR एंड
ये तो प्रेस रिलीज का मामला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। अभी हम आपको नीचे चलेंगे, ऑर्डर जो है कि डोमेस्टिक एंटिटी की तरफ से मिला है, और आप देखिए कि इसे ऑर्डर वेसल्स के लिए भी वेसल्स के लिए है। 840 करोड़ ऑर्डर की वैल्यू है और एग्जीक्यूशन पीरियड 42 मंथ है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 29,000 करोड़ रुपए है, इस बात पे फोकस करना। और एक बात मैं बता दूं कि इसके बारे में मैंने कई बार वीडियो बना रखा है और कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, आगे भी देगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिफेंस का बजट भी बढ़ने वाला है, साथ में कंपनी एक्सपोर्ट भी ध्यान दे रही है डिफेंस के, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ दोस्तों, और आपको फटाफट अपडेट पाना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर चैनल से जरूर, ट्विटर हैंडल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी चीज़ों को यूट्यूब में डिस्कस करना मुमकिन नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यूपी गवर्नमेंट से संबंधित न्यूज़ डाली है कि यूपी गवर्नमेंट जो है कि ईवी सब्सिडी प्रोग्राम को 2027 तक जारी रखने वाली है, साथ में 1.1 सोल्यूशन के बारे में एक एक्विजिशन न्यूज़ है जिसे कि मैंने यहाँ पर अपडेट किया है, 100% अक्वायर करेगी, साथ में भारत एग्री से संबंधित न्यूज है। आप देखेंगे कि न्यू लॉन्च के बारे में कुछ बताया गया है। कंपनी का मार्केट कैप 535 करोड़ है और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन एंटीसिपेटेड जो रेवेन्यू है वो 800 करोड़ है ओवर द 4 ईयर। अगर आप आगे जाएंगे तो इसी तरह मैंने केल्टन टेक के बारे में वीडियो मैसेज डाला है, रेट गेन के बारे में डाला है, साथ में बोंडाडा इंजीनियरिंग जो कि 1:5 की रेशियो में सब डिवीजन स्प्लिट करने वाला है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, उसको भी यहाँ पे मैंने अपडेट किया है। दोस्तों इस तरह से आप मेरे टेलीग्राम ट्विटर चैनल से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप बेहद खास जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको मेरे ट्विटर चैनल से जुड़ना है तो आप इसे देख लीजिए, @finbiz24 आप एंटर करिए, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे आ जाएंगे और फॉलो करिए। तो दोस्तों इससे आपको यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा वीडियो फोकस इन सीरीज में, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, आपको लगता है कि नहीं इसमें मुझे कुछ लाभ हो रहा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। धन्यवाद।